ये नाती पोता है। हाँ ये लड़के लोग रह रहे हैं, हमने अच्छा अपनी झोपड़ी बना ली, हमारी गुंजाइश नहीं थी, इसमें रह रहे हैं। अच्छा आप झोपड़ी में रहते हो? हाँ, इसमें रह रहे हैं ना, ऐसा ही ठहरा भैया, ऐसा ही ठहरा रहना सहना भी। हाँ। शेर का भी डर लगता है? शेर भी बाघ जंगल जंगल है, बाघ अभी जंगल में आ ही गए है अभी भी। टूटेगा जब टूटेगा सर, क्या बताया फिर उसको? अच्छा टूटेगा ही, वो भी सब नाले किनारे है, सब नाले किनारे, नाले स्कूल भी नाले किनारे ही है, सब नाले किनारे तो है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो की शुरुआत है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के दमडुंगा क्षेत्र से होने वाली है। दमडुंगा का जो सरदार की कोठी है, वहां से जो ऊपर को आप जाएंगे, वहां पर एक शिव मंदिर आता है और उसके बगल में ही एक स्कूल आता है, तो वहां से मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा। तो चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, और वो लोकेशन आपको जरा दिखा देता हूँ। तो ये लोकेशन है, ये नाला आता है ऊपर से दमडुंगा का, और ये सामने शिव मंदिर है और ये सामने प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ पर जब बारिश का टाइम होता है तो यहाँ पर काफी ये जो नाला है उफान पर आता है और यहाँ मुश्किल हो जाता है यहाँ पर आना जाना। और यहाँ पर लोगों के घर भी हैं। आपका घर कौन सा है? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर कुछ झोपड़ियाँ बनी हैं, कुछ पक्के घर भी बने हुए हैं। ये नाला अभी इस वक्त सूखा रहता है, बारिश के टाइम पर इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आता है, अगर बाढ़ हाड़ आ गई तो यहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखिए लोगों ने यहाँ पर अवैध निर्माण कर रखे हैं नाले के किनारे, यहाँ पर झोपड़ियाँ भी हैं, उनके मकान भी हैं और नए निर्माण भी यहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर को चकडा मुगरा लगा दिया गया है और इधर को दीवार लगाई है। तो यहाँ को जब यहाँ पर आपदा आई थी उस समय यह पोल टूट गया था, पूरा टूट गया था और यहाँ पर काफ़ी क्षति हुई थी, ये थोड़ा बच गया था। और यहाँ पर आप कहाँ रहते हो? तो यहाँ कुछ लोगों से भी बातें करेंगे, ये कब से यहाँ रह रहे हैं और इनका रहन सहन भी जानेंगे, कैसे ज़िंदगी यहाँ पर ये गुजार रहे हैं। एक छोटा सा झोपड़ी इन्होंने बना रखा है और नाले के जस्ट बगल में ही रहते हैं। यहाँ पर आपको मैं ज़रा ऊपर को दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर पूरा गंदगी भी आपको दिख रही होगी और ये साइड को बिल्कुल नाले से सटे घर हैं और किसी की तो पूरी दीवार ही है और किसी की खाली थोड़ा बहुत बाउंड्री लगा के पीछे को कर रखा है। तो यहाँ पर ये लोग ऐसे रहते हैं, यहाँ पर पानी आता है, यहाँ पर सब भर गया पानी। अच्छा अच्छा, क्या नाम, क्या नाम है आपका? बैठिए आप, बैठिए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए वहाँ पर। क्या नाम है आपका? हमारे पति का नाम? आपका नाम? हमारा बिमला मौर्या। कहाँ कहाँ के रहने वाले हो आप? हम सार पीलीभीत के रहने वाले हैं। अब हमने यहाँ पे एक खरीद रखा, थोड़ा गरीब आदमी ठहरे। कितने में खरीदा है? ऐसे ही खरीद लिया, बहुत पहले खरीद लिया, बच्चों को पता होगा, बच्चों ने खरीदा। हाँ, तो कितने साल से रह रहे हैं? हमको तो यहाँ 4 साल हो गई रहते। तो आपका यही घर है या? यही कमरे है। अच्छा, वो ये ये भी आपका ही है? हाँ, ये लड़के लोग रह रहे हैं, हमने अपनी झोपड़ी बना ली, हमारी गुंजाइश नहीं थी, इसमें रह रहे हैं। अच्छा, आप झोपड़ी में रहते हो? इसमें रह रहे हैं। तो गाइस देखिए, ये दमडुंगा का क्षेत्र है, काफी गरीबी है और यहाँ पर इस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। मैं अंदर तो जाऊंगा नहीं, यहीं से दिखा दूंगा, ऐसे यहाँ रहते हैं लोग। छोटी सी ये नाला है, एकदम जब बारिश का पानी, बारिश हो जाती तो यहाँ पर काफ़ी पानी आता है तो गंदगी भी होती है यहाँ पर। और लोग यहीं पर खाइए, डस्टबिन में क्यों नहीं डालते हो? फिर डालते हैं डस्टबिन में, ये नीचे को डालोगे तो बदबू आप ही को आएगी ना। आप रहना सहना ऐसा ही ठहरा भैया, ऐसा ही ठहरा रहना सहना भी। हाँ, तो ये छोटी सी कुटिया। शेर का भी डर लगता है? शेर भी बाघ जंगल जंगल है, बाघ अभी जंगल में आ ही गए हैं, अभी बीच में आए थे यहाँ बीच में। नहीं आए हमारे यहाँ, तो खाई देते हमको तो। कितने बच्चे हैं आपके नाती पोते? नाती पोता है ये सब 10 लोग। कितने लड़के हैं आपके? मेरे 3 बेटे। 3 बेटे, 10 लड़कियाँ? 10, 3? 10 लड़कियाँ नहीं है, ये नाती पोता है। अच्छा, स्कूल नहीं जाते बेटा? कहाँ जाते हो? यहीं पर। आज नहीं गए? पेपर हो रहे? पेपर हो गए? कैसे हो रहे हैं? कितने रह गए और? दो रह। अच्छा, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? छुट्टी आ गई, अभी पढ़ाई करेंगे। हैं? खाना ना खाया। पढ़िए, अच्छे अच्छे नंबरों में पास होइए। अरे हो गया, हो गया। जो नाला है काफी नीचे तक जाता है और उसकी वीडियो भी मैं अलग से और बनाऊंगा। यहाँ नीचे को भी बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ, अवैध निर्माण, अतिक्रमण सब कुछ है ये एरिया में, उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। और आज मैंने यहाँ का बनाया है और ये मंदिर के बगल में भी ये देखे होंगे चकडाम लगा हुआ है, तो यहाँ पर अभी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बरसात में यहाँ पर बिल्कुल बंद रहता है। तो गाइज यहाँ पर ऐसे रहते हैं लोग और यहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ भी हैं और झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं। और ये देखिए यहाँ पर कैसे भी ये लोग घर बसर करके रहते हैं और यहाँ पर पक्के घर भी हैं, तबेला भी है। ये पीछे का एरिया देखिए, ये यहाँ पर तबेला भी है और ये पीछे का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। और जरा मैं इधर को और दिखा देता हूँ, ये गली में ऐसे रहते हैं लोग यहाँ पर। और झोपड़ियाँ भी बनाई हैं लोगों ने, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, कच्चे मकान हैं,
किसी ने पक्के मकान भी बना रखे हैं और इनका जो खाना पीना जो किचन विचन है सब ये भारी है। यहाँ पर ये बकरियाँ खरियाँ चराते हैं लोग। और ये नाले का एरिया है, देखो पूरे एरिया में आपको दिखा रहा हूँ। कितनी बकरियाँ हैं आपकी? 3-4 बकरियाँ भैया। अच्छा कहाँ है बकरी अभी? कहाँ है बकरी? जो है कुछ नीचे है सब चरने की। ये आपका ही है वो बकरी का? हाँ जी। अच्छा कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हो गया करीब तो 90 से हुए हैं सर। 90 से आए आप? रहने वाले कहाँ के हुए हैं वैसे? पीलीभीत? नहीं नहीं बरेली। बरेली के रहने वाले हो? जिला बरेली पड़ता है। अच्छा तो यहाँ पर आपने ये पक्का निर्माण कब करवाया है? जो लेंटर डाला है आपने डलवाया? जी हमने डलवाया। अच्छा तो ये नहर के किनारे क्यों डलवाया? अगर बाढ़ आड़ आ गई तो क्या कह रहे हैं? जब बाढ़ आएगी सरकार इंतजाम करेगी। नहीं सरकार क्यों इंतजाम करेंगे? आप ये सरकारी ज़मीन पर घर बनाएंगे और नदी के किनारे आप बह जाओगे तो फिर दिक्कत तो आप ही को होगी ना। दिक्कत तो सरकार क्या करेगी इसमें बताइए आप? आप ये बताइए मेरे को, यहाँ पर इस तरीके से नाले के किनारे आप लोगों ने घर बनाए हैं। देखो यहाँ पर आपको पता है यहाँ जब बाढ़ आती है, जब बारिश होती है, बादल फटता है, कैसा मंजर रहता है यहाँ पर। और पिछली बार आपने देखा ही होगा यहाँ पर सारा बह गया था, फिर भी आपने इधर को इतना घर बना दिया। फिर सभी के बने बड़े सब। अच्छा उनको देख के आपने भी बना दिया? क्या करें फिर। अच्छा तो ये जमीन किसकी है? सिंचाई विभाग की? वन विभाग की? वन विभाग की। अच्छा तो ये क्या है, सही है गलत है? जिस तरह से यहाँ पर नजूल भूमि पे, वो भी चलो नजूल भूमि पे तो बनाते हैं लोग, उनको थोड़ा हटके बनाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा ना? नहीं सही रहेगा। अब आप ऐसे ये नहर के किनारे बना दे रहे हो और टूट टूट गया तो आप ही को तो दिक्कत है, उसमें तो काफ़ी लाखों रुपये लगा होगा, फिर कैसे होगा? अभी हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, सब जगह नजूल टूट रहा है, आप निर्माण करोगे तो आप टूटेगा? जब टूटेगा सर क्या बताएं फिर उसको? अच्छा टूटेगा ही फिर क्या है? अच्छा क्या कहेंगे इस बारे में जो ये लोगों ने यहाँ पर घर बनाए हैं? क्या कहेंगे, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? नाले किनारे घर बना लिए हैं। बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? नाले किनारे, नदी किनारे? नाले किनारे सभी बना रहे हैं, देखो वो भी सब नाले किनारे हैं, सब नाले किनारे, नाले स्कूल भी नाले किनारे ही है, सब नाले किनारे तो हैं। अच्छा सब नाले किनारे तो हैं। अच्छा अंदर जो क्या हो रहे हैं सर, जो आप बताओ उसके अंदर हो रहे हैं बनाने, मतलब सब बना रहे हैं तो आपने भी बनाया? क्या करें। चलो ठीक है। कितने परिवार रहते हैं आपके यहाँ पर? ये रहते हैं 4-5 फैमिली। 4-5 फैमिली रहते हैं? 6 फैमिली। चलो ठीक है। ये कितने का बेच रहे हो ये बुकिया? बुकिया तो अभी बिक्री में नहीं है दादा। वैसे कितने की हुई, इसकी कीमत कितनी हुई यहाँ? कीमत 11,000 रुपए लगा गया पूजे वाला। अच्छा 10-11,000 रुपए। चल लखा है या लखा नहीं है? लखा नहीं है। तो बकरिया कितने बेचते हो महीने की? एक आध बेच देते हो? नहीं एक आध कहाँ बिक पाती है, साल 4-5 साल में तो बकरी 1 से 1.5 साल में तो बच्चा पैदा वो होता है तैयार, जाकर बिक पाता है। और रोजगार क्या है आपका? रोजगार तो मालिकगिरी काम करता हूँ सर। अच्छा मालिकगिरी। आज गई नहीं? नहीं आज नहीं गए। क्यों? दुकान हो रही है, अब लगे ही हैं, अब से चलने चली रहे। अच्छा चलो ठीक है धन्यवाद। तो यहाँ लोगों से बात भी करी और इधर ये सामने मंदिर है, और जब यहाँ पर आपदा आई थी तो मैंने वीडियोस में आपको दिखाया था, अभी भी जाके देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस पड़ी है। ये स्कूल को काफी नुकसान हुआ था, बाहर का जो गेट है पूरा मलबा अंदर घुस गया था और यहाँ पर काफी बड़े बड़े पत्थर आ गए थे। तो आज चमोडंगा का मैंने एरिया दिखाया सारा कुछ किस तरीके से था, और स्कूल सरकारी है उसके बगल में, लोगों ने देखो कितना गंदगी कर रखी है और कचरा सब ना यहाँ फेंक रखा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और सामने है शिव जी का मंदिर है। तो गाइस अभी वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लग रही थी वीडियो को शेयर करिए, चैनल में आप कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहे आप मेरे चैनल में।